रचना केसरवानी। तो बता दें आपको, लेबर असिस्टेंट कमिश्नर है रचना केसरवानी और शराब के नशे में धुत नजर आई। इसके साथ ही बहुत देर तक ये हाई प्रोफाइल ड्रामा भी चलता रहा। लखनऊ से गोंडा जाते समय ये हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। बता दें आपको कि गोंडा में लेबर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है रचना केसरवानी, थाना जबरन रोड के घाघरा घाट पुल के पास का मामला। मंडल पुलिस का अधिकारी हूँ। ठीक है, आप कमिश्नर के पास जाओगे ऐसी थी वैसे थी, मुझे पड़ा गाड़ी नहीं। नहीं अरे क्यों जाओगे आप गाड़ी में? नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। आप जबरदस्ती नहीं करोगे, आप बैठिए गाड़ी में, बैठ जाइए। तो आप गाड़ी में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं नहीं करूंगी। अरे मैं साइड में तो संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये पूरा मामला क्या है? ये यहाँ पर तैनात है गोंडा में और इसके साथ ही अलीगढ़ से गोंडा जाते समय बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला पूरा ड्रामा हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर ये निहायत शर्मनाक वाकया है। जिस तरीके से ये रचना केसरवानी लेबर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर ये तैनात है, गोंडा में तैनात है, लखनऊ से ये गोंडा जा रही थी और उस दौरान ये काफी इन्होंने ड्रिंक कर रखा था। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों का कहना है कि इन्होंने काफी ड्रिंक कर रखा था और ड्रिंक के ही शराब के ही नशे में इन्होंने गाड़ी को ठोंक दिया था। जब गाड़ी की टक्कर लगने के बाद जब पुलिसकर्मी वहां पे काफी तादाद में जब वहां पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पूरी तरीके से नशे में थी और सभी पुलिसकर्मियों के ऊपर, यानी जो महिला पुलिसकर्मी थी या पुलिस या जो पुरुष पुलिसकर्मी थे, सभी के ऊपर ये लगातार रौब दिखाती रही, धौंस जमाती रही और अपने पद का दुरुपयोग करती नजर आई। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से वो महिला पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर रही है। हालांकि जो भी पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, साफ तौर पर उनका ये अंदेशा था कि इनको गाड़ी में बिठा करके और इनके गंतव्य तक रवाना किया जाए, यानी जहां तक इनको जाना है वहां भेजा जाए, लेकिन वो हाथापाई करते नजर आई और ये काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा। हालांकि पुलिसकर्मी इनको लगातार मनाते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद रचना केसरवानी मानने को तैयार नहीं थी और काफी देखा गया कि जितने भी आसपास के जो लोग थे वो वहां पे काफी मजमा लगा दिया, लोगों ने देखना शुरू कर दिया और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये संवैधानिक पद पे तैनात हैं और उसके बाद अगर इस तरह के अगर ये हाई वोल्टेज ड्रामा अगर शराब के नशे में करती हैं तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार जो है वो तरह तरह की बातें कह रही है कि हर तरफ से, चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग से हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, उस विभाग से लापरवाही दूर करेंगे, उस विभाग से जो भी यानी कि जो भी कुरीतियां हैं उसको हम दूर करेंगे, लेकिन जो रचना केसरवानी जिस तरीके से कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर तमाचा मार रही हैं। जी बिल्कुल संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? रचना केसरवानी को गोंडा रवाना कर दिया गया, फिलहाल क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले के बाद अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान? बिल्कुल, काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और उसके बाद से किसी तरीके से जब वहां काफी पुलिसकर्मी पहुंच गए उसके बाद से फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया और गाड़ी में बिठा करके उनको गोंडा भेजा गया। हालांकि रचना केसरवानी की तरफ से अभी कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है कि आखिरकार वो दिन में क्यों शराब पिए हुए थी और शराब के नशे में क्यों तेज गाड़ी चला रही थी और उन्होंने किस आखिर में किस वजह से इस वाकयात को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन हालांकि फिलहाल रचना केसरवानी जो है अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई है जहां वो तैनात हैं और लेकिन ये जो काफी देर तक बीच रास्ते में एक कस्बे में जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा ये बेहद शर्मनाक कहा जा रहा है। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपने पद की गरिमा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने तार तार कर दिया है।